हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। और आज के इस वीडियो में सिर्फ हम समझेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए दो अलग वीडियोज हैं, आप उनको देख सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स एंड कैश इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच असेट्स सच एज रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड held as investments and interest received from debentures or loan advanced। इसका मतलब क्या हुआ? Investing activities include acquisition and disposal of long term assets। Investing activities में हम long term की assets, non current assets जैसे कि land and building, plant and machinery और बाकी सभी तरह की नॉन करंट असेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, उनका एक्विजिशन मींस खरीदना और डिस्पोजल मींस बेचना, इसको इंक्लूड करते हैं। एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, और बाकी सब तरह की इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स, जो कि कैश या कैश इक्विवेलेंट में नहीं आती हैं, मींस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, उनकी भी खरीद बेच को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जो भी नॉन करंट असेट्स खरीदी गई हैं, उन नॉन करंट असेट से आने वाली कैश इनकम, उसको भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंक्लूड किया जाता है। नॉन करंट असेट्स से कौन सी इनकम आएगी, ये देखिए एग्जाम्पल्स। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई है और उसको किसी को यूज करने के लिए दिया गया है रेंट पर, तो उस प्रॉपर्टी से मिलने वाली रेंटल इनकम। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, अगर किसी कंपनी के शेयर्स या म्यूचुअल फंड हमने खरीदे हुए हैं तो उनसे मिलने वाला डिविडेंड। ऐसे ही अगर किसी और कंपनी के हमने डिबेंचर खरीदे हुए हैं या किसी को लोन दे रखा है तो उस लोन पर या डिबेंचर्स पर मिलने वाला इंटरेस्ट, ये सभी कैश इनकम्स हैं नॉन करंट से, नॉन करंट असेट से। इन सबको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करना है। तो आप मोटे तौर पर समझ सकते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में केवल तीन ही तरह की एक्टिविटी इंक्लूड करनी है, नॉन करंट असेट्स का खरीदना, नॉन करंट असेट्स का बेचना और नॉन करंट असेट से होने वाली इनकम जैसे कि रेंट, डिविडेंड और इंटरेस्ट। बस इतना ही इंक्लूड होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब ये एग्जांपल्स हैं कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। इनफ्लो मींस जब कैश आएगा बिजनेस के पास, आउटफ्लोज मींस जब कैश जाएगा। तो ये एक एक्सक्लूसिव लिस्ट है, ये पूरी इंक्लूसिव लिस्ट है सब तरह के इनफ्लोज और आउटफ्लोज की, इसके अलावा कुछ नहीं होता, इसलिए आप इनको समझ लेंगे तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को इजिली समझ पाएंगे। तो कैश इनफ्लोज है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, चाहे टेंजिबल एसेट हो या इनटेंजिबल हो, अगर उसको बेचेंगे तो उससे कैश आएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट थी उसको बेच दिया, इससे कैश आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय नॉन फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस और नॉन फाइनेंस कंपनी कौन सी होती है? फाइनेंस कंपनीज वो होती हैं जो फाइनेंस में डील करती हैं, जिनका काम ही है फाइनेंस का लेना और देना। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी, ऑल काइंड्स ऑफ NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, ये सभी फाइनेंस कंपनी के अंदर आते हैं, बैंक्स भी। तो अगर किसी नॉन फाइनेंस कंपनी मींस ऐसी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग का काम करती है, वो सब नॉन फाइनेंस कंपनीज होती हैं, तो उन कंपनीज को अगर इंटरेस्ट मिला अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर तो ये भी कैश इनफ्लो होगा। डिविडेंड रिसीव्ड बाय नॉन फाइनेंस कंपनी, ऐसे ही किसी नॉन फाइनेंस कंपनी को डिविडेंड मिला, ये भी कैश इनफ्लो।
rent received from property by any company other than real estate company. Real estate company को छोड़ के किसी और company को अगर rent receive हुआ property से, तो वो भी cash inflow होगा investing activity से. लेकिन real estate companies को ध्यान रखना है, जो कि building construction का ही काम करती हैं, तो real estate companies को अगर rent receive हुआ property से, तो उनके लिए ये एक operating income होगा. इसके बाद है कैश आउटफ्लोज, कैश का जाना, कैश परचेजेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स खरीदी गई चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, फिक्स्ड एसेट्स के खरीदने से कैश का आउटफ्लो होगा. कैश परचेजेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म की कोई इन्वेस्टमेंट थी उसको खरीदा गया, इससे भी कैश का आउटफ्लो होगा. कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज, अगर किसी और थर्ड पर्सन को लोन दिया तो इससे भी कैश का आउटफ्लो होगा. ये छोटा सा फॉर्मेट है कैश फ्लोस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल असेट्स हो, उनको बेचेंगे तो कैश आएगा, प्लस करना है इसको. सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो कैश आएगा, इसको भी प्लस करना है. और नॉन करंट असेट्स पर मिलने वाली इनकम, जैसे कि रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये रिसीव होंगे, इससे भी कैश आएगा, इसको भी प्लस करना है. माइनस करना है कैश आउटफ्लोस को, जिनसे कैश जाएगा. नॉन करंट असेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, इनको खरीदा, कैश जाएगा, माइनस, माइनस के लिए ब्रैकेट लगाया. ऐसे ही परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को खरीदा, इससे भी कैश जाएगा, इसलिए माइनस. इन सबको प्लस माइनस करके जो फिगर बचती है उसको बोलते हैं नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. अब इसमें हम दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को समझने के लिए. आप दोनों ही क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, अगर आपने ये दो क्वेश्चन समझ लिए अच्छे से तो कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. इन दो क्वेश्चन में सभी तरह की एडजस्टमेंट्स को मैंने इंक्लूड किया है. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. ये फिगर्स गिवन है परचेज और सेल की, सभी तरह की ये कुछ असेट्स गिवन है. ये इसमें है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, इनकी परचेज और सेल दोनों फिगर गिवन है. और इसके अलावा तीन पॉइंट इनकम से रिलेटेड गिवन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स और एक और इनकम है रेंटल इनकम. अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं. इसका फॉर्मेट बनाया कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. देखिए, जब किसी असेट को नॉन करंट असेट, ध्यान रखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में केवल नॉन करंट असेट्स को इंक्लूड करते हैं, करंट असेट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं. तो किसी भी नॉन करंट असेट को परचेज किया तो इससे क्या होगा, असेट आ गई और उसके बदले कैश चला गया, तो कैश जा रहा है इसलिए कैश आउटफ्लो है, माइनस करना है इसको. मशीनरी परचेज्ड 4 लाख माइनस, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड 1 लाख माइनस, गुडविल इंटेंजिबल असेट 1 लाख परचेज्ड माइनस. इन्वेंट्री को परचेज किया पर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इन्वेंट्री एक करंट असेट होती है, इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं करना, ध्यान रखना है. ये जरूरी नहीं होता किसी क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हो कि सारी इंफॉर्मेशन यूज होगी सॉल्यूशन में, तो इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं करना है. तो तीन असेट खरीदी गई, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट और गुडविल, इनके खरीदने से कैश जा रहा है इसलिए इनको करना है माइनस. ऐसे ही सेल की फिगर भी है, मशीनरी को सेल किया 1 लाख, मशीन बेची, कैश आया 1 लाख प्लस. ऐसे ही इन्वेस्टमेंट को बेचा 2 लाख रुपए में, कैश आया प्लस. कॉपीराइट को बेचा, कॉपीराइट एक इंटेंजिबल असेट है, 1 लाख, इससे कैश आया प्लस. तो तीन असेट परचेज वाली माइनस, ऐसे तीन असेट सेल वाली प्लस.
ये देखिए, परचेज ऑफ मशीनरी 4 लाख माइनस, ऐसे सेल ऑफ मशीनरी 1 लाख प्लस, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख माइनस, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख प्लस, परचेज ऑफ गुडविल 1 लाख माइनस, सेल ऑफ कॉपीराइट 1 लाख प्लस। ये तीन इनकम है नॉन करंट एसेट से। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स ₹10,000, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कैश आ रहा है प्लस। ये देखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स ₹10,000 प्लस, ऐसे ही डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स ₹20,000, डिविडेंड रिसीव्ड 20,000 प्लस, ए पोर्शन ऑफ बिल्डिंग वॉज रेंटेड आउट एंड रेंट रिसीव्ड फ्रॉम इट अमाउंटेड टू ₹30,000। 30,000 रुपये रेंटल इनकम आई, रेंट रिसीव्ड 30,000 प्लस। तो इन सब फिगर्स को प्लस और माइनस करके अगर आपका आंसर माइनस में आता है, जैसे कि यहाँ माइनस में आ रहा है ₹1,40,000, तो इसको लिखना है नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पर कैश यूज हो गया है, कैश जा रहा है, क्योंकि आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है। और अगर ये आंसर बचता प्लस में, तो इसको लिखते नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ये इयर्स, दो इयर्स गिवन है, 2015 एंड 2016। 2015 प्रीवियस ईयर है, 2016 करंट ईयर है। सो प्रीवियस ईयर्स में असेट्स की फिगर्स क्या थी और करंट ईयर में असेट्स की फिगर्स क्या है, ये गिवन है क्वेश्चन में। और इसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, ये 7 पॉइंट है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ये ध्यान रखना है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है उसका हम यूज करेंगे अकाउंट बनाने के लिए। कोई भी असेट या लायबिलिटी, ध्यान रखना है, कोई भी असेट या लायबिलिटी जिसका प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का बैलेंस है और जिसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, उस असेट या लायबिलिटी का अकाउंट बनाया जाएगा। कोई भी एक मिसिंग फिगर होगी उसको ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में आप अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद कैलकुलेशन की जाएगी कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। सबसे पहले अकाउंट बनाने हैं। वर्किंग नोट्स देखते हैं सबसे पहले। सबसे पहले है फर्नीचर का अकाउंट। फर्नीचर या कोई भी असेट हो, ध्यान रखना है, असेट्स का रूल बड़ा सिंपल होता है। अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसको लिखना है आपको डेबिट साइड में। अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इसको लिखना है आपको क्रेडिट साइड में। तो किसी भी असेट के अकाउंट की शुरुआत, क्योंकि असेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट से शुरुआत की जाती है, एंड किया जाता है क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस से। क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस के अलावा तीन आइटम और आ सकते हैं, तीन आइटम जिससे असेट की वैल्यू कम होगी। असेट को बेचा गया तो सेल प्राइस, असेट को बेचने पर लॉस हुआ तो लॉस का अमाउंट, और करंट ईयर में असेट पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। तो तीन फिगर्स आपको क्रेडिट साइड में लिखनी होंगी किसी भी असेट के अकाउंट में, क्लोजिंग बैलेंस के अलावा सेल प्राइस, लॉस ऑन सेल और डेप्रिसिएशन। इन तीनों से असेट की वैल्यू कम हो जाएगी। डेबिट साइड में आपको लिखना होगा परचेज का अमाउंट, कि असेट को कितने रुपए में इस साल खरीदा गया। अब फर्नीचर अकाउंट को देखते हैं एक बार, क्वेश्चन पर आते हैं। फर्नीचर का पिछले साल का बैलेंस ये है 2 लाख रुपए, इस साल का बैलेंस है 3 लाख रुपए। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख रुपए। सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाएगा। बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस सीडी 3 लाख रुपए।
फिर फर्नीचर के रिगार्डिंग जो एडजस्टमेंट है उसको कंसिडर करना है। पहली एडजस्टमेंट है फर्नीचर कॉस्टिंग ₹60,000, 60,000 रुपये कॉस्ट प्राइस का फर्नीचर जिसकी आज बुक वैल्यू है ₹40,000। मीन्स ₹60,000 का फर्नीचर खरीदा गया था, आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू है ₹40,000। मीन्स फर्नीचर पर ऑलरेडी ₹20,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है पहले, आज वैल्यू ₹40,000 है। वह सोल्ड एट 25% लॉस, इसको 25% लॉस पर बेचा गया है। तो ₹40,000 के फर्नीचर बुक वैल्यू, करंट बुक वैल्यू पर प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन होती है, ध्यान रखना है। तो ₹40,000 की बुक वैल्यू का फर्नीचर 25% लॉस, ₹40,000 का 25% मीन्स 1/4, 40,000 का 1/4 होता है ₹10,000। तो ₹10,000 का हुआ लॉस फर्नीचर को बेचने पर, ₹40,000 के फर्नीचर को ₹10,000 के लॉस पर बेचेंगे, 40,000 माइनस ₹10,000 का लॉस, बाकी बचा ₹30,000। मीन्स फर्नीचर को बेचा गया ₹30,000 में। फर्नीचर अकाउंट में देखिए, क्रेडिट साइड में, फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में देखिए, सेल प्राइस ₹30,000, फर्नीचर को बेच के लॉस हुआ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ₹10,000 का लॉस। ये थी पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसको हमने यूज किया। दूसरी इंफॉर्मेशन है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹40,000। करंट ईयर में फर्नीचर पर ₹40,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया, तो डेप्रिसिएशन से भी असेट की वैल्यू कम होती है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिखा ₹40,000। टोटल किया क्रेडिट साइड का, ये टोटल हुआ ₹3,80,000। इस टोटल को डेबिट साइड में लिखा ₹3,80,000 माइनस ₹2,00,000 ओपनिंग बैलेंस, तो ये बाकी बचा हुआ ₹1,80,000 का बैलेंस, ये कहलाएगा परचेज ऑफ फर्नीचर। कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिखा परचेज बैलेंसिंग फिगर, इसका मतलब करंट ईयर में ₹1,80,000 का फर्नीचर खरीदा गया। अब इस फर्नीचर अकाउंट से दो एंट्री हैं जिनसे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। फर्नीचर को बेचा, सेल किया ₹30,000, इससे कैश इनफ्लो हुआ। तो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सेल ऑफ फर्नीचर हम लिखेंगे ₹30,000, और फर्नीचर को खरीदा ₹1,80,000, इससे कैश का आउटफ्लो है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखा जाएगा परचेज ऑफ फर्नीचर ₹1,80,000 माइनस में। दूसरा अकाउंट समझेंगे, पेटेंट का अकाउंट। पेटेंट भी एक असेट है, डेबिट से शुरू करना है। पेटेंट के बैलेंसेस देखते हैं। पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस था ₹3,50,000, क्लोजिंग बैलेंस है ₹2,50,000। सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस, बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस ₹3,50,000, बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस ₹2,50,000। इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देखते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखा गया है, पेटेंट्स वर रिटन ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ ₹80,000। करंट ईयर में ₹80,000 के पेटेंट्स को राइट ऑफ कर दिया। जैसे फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स को हम डेप्रिशिएट करते हैं, वैसे ही फिक्स्ड या नॉन करंट इंटेंजिबल असेट्स को हम राइट ऑफ करते हैं, अमोर्टाइजेशन, उनकी वैल्यू को डिक्रीज किया। तो ₹80,000 पेटेंट्स की वैल्यू को राइट ऑफ किया हमने, एंड सम ऑफ द पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000, और कुछ पेटेंट्स को बेचा भी गया है ₹20,000 के प्रॉफिट पर। तो इस इंफॉर्मेशन, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो पॉइंट गिवन है, एक तो पेटेंट्स राइट ऑफ हुए ₹80,000, मीन्स पेटेंट की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई ₹80,000 से, और कुछ पेटेंट को बेचा गया है, कितने में बेचा ये नहीं बताया, पर बेचने पर प्रॉफिट हुआ है ₹20,000 का। पेटेंट का अकाउंट देखते हैं।
पेटेंट राइट ऑफ हुए, पेटेंट की वैल्यू कम हुई, मैंने आपको समझाया था असेट डिक्रीज होंगी तो क्रेडिट में लिखना है। पेटेंट्स राइट ऑफ हुए 80,000 रुपये, पेटेंट्स को बेच के प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपये, अगर लॉस होता तो क्रेडिट में लिखते, प्रॉफिट को लिखना है डेबिट में, इसलिए डेबिट में लिखा 20,000 रुपये का प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 रुपये। अब इस अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, 3,70,000 रुपये डेबिट का टोटल, इसको उठा के ले आए क्रेडिट साइड में। इस 3,70,000 रुपये में से 2,50,000 रुपये पेटेंट का क्लोजिंग बैलेंस और 80,000 रुपये के पेटेंट राइट ऑफ हुए, इनको माइनस किया, बाकी बचा 40,000 रुपये। यह है सेल ऑफ पेटेंट्स, कैश सेल बैलेंसिंग फिगर, 40,000 रुपीज के पेटेंट को करंट ईयर में बेचा गया है। अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो भी कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो हमें अकाउंट से मिल जाती है। तो पेटेंट अकाउंट से कौन सी फिगर को हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशन में यूज करना है, केवल एक ही आइटम है जिससे कैश का इनफ्लो है, वो है सेल ऑफ पेटेंट 40,000 रुपीज। तो इसको कैलकुलेशन करते हुए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस करना है, क्योंकि पेटेंट बेचे गए, कैश आया 40,000 प्लस। तीसरा अकाउंट बनाया हमने इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। ये 10% इन्वेस्टमेंट्स गिवन थी, ओपनिंग बैलेंस था 2,00,000 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस था 2,50,000 रुपए। तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस 2,00,000 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस सीडी 2,50,000 रुपए। ये 10% इन्वेस्टमेंट्स क्या इंडिकेट करती है कि इस इन्वेस्टमेंट पर 10% का इंटरेस्ट मिलता है। फिफ्थ पॉइंट में इंफॉर्मेशन है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10% ऑन जुलाई 1, 2016। कुछ इन्वेस्टमेंट को 1 जुलाई 2016 को बेचा गया था 10% के लॉस पर, एंड ऑन द सेम डेट न्यू इन्वेस्टमेंट वर परचेज्ड फॉर ₹1,00,000। और सेम डेट को मींस 1 जुलाई को ही कुछ नई इन्वेस्टमेंट खरीदी थी 1,00,000 रुपए की। इस इंफॉर्मेशन को हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट में यूज करना है। इन्वेस्टमेंट खरीदी गई है 1,00,000 रुपए की, कुछ इन्वेस्टमेंट बेची गई है, कितने में बेची ये नहीं बताया, लेकिन बेचने पर 10% का लॉस हुआ है ये बताया है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखिए, इन्वेस्टमेंट की परचेज हुई 1,00,000 रुपीज, क्वेश्चन में गिवन है, डेबिट साइड का टोटल किया 2,00,000 और 1,00,000 रुपए 3,00,000 रुपए। इस टोटल 3,00,000 को क्रेडिट साइड में ले आए 3,00,000 रुपए, माइनस किया इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस 2,50,000 रुपए। तो 3,00,000 में से 2,50,000 को माइनस किया, मीन्स इन्वेस्टमेंट जो मिसिंग है वो कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट मिसिंग है, बाकी 50,000 रुपए। इसका मतलब 50,000 रुपए वाली इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है, और इन्फॉर्मेशन ऊपर गिवन थी कि इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है 10% लॉस पर। तो 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट का 10% हुआ 5,000 रुपए, यह है लॉस ऑन सेल। तो 50,000 की इन्वेस्टमेंट को 5,000 रुपए के लॉस में बेचा, 50,000 माइनस 5,000, तो इन्वेस्टमेंट को बेचा गया 45,000, 45,000 रुपए में। यहाँ बैलेंसिंग फिगर के तौर पर आप समझ सकते हैं 45,000 रुपए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल गई। तो इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशन में दो अमाउंट यूज करने हैं, एक है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹1,00,000, दूसरा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 45,000। परचेज से कैश आउटफ्लो माइनस, और सेल करने से 45,000 रुपए आएगा कैश इनफ्लो प्लस। इसके बाद चौथा अकाउंट बनाया हमने लैंड अकाउंट। यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, लैंड का ओपनिंग बैलेंस था 3,00,000 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस है 1,00,000 रुपए।
लैंड के रिगार्डिंग एक पॉइंट गिवन है, सिक्स पॉइंट, लैंड वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ ₹50,000, लैंड को बेचा गया था ₹50,000 के प्रॉफिट पर। तो यहां अकाउंट देखते हैं, लैंड अकाउंट बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है ₹3,00,000, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है ₹1,00,000, लैंड को बेचने पर ₹50,000 का प्रॉफिट हुआ, ये गिवन था क्वेश्चन में, इसको लिखा हमने डेबिट साइड में, टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल है ₹3,50,000, इसको क्रेडिट साइड में लिखा, और इस ₹3,50,000 में से लैंड का क्लोजिंग बैलेंस ₹1,00,000 माइनस किया, बाकी बचा ₹2,50,000, ये है सेल ऑफ लैंड, मतलब ₹2,50,000 का लैंड करंट ईयर में बेचा गया है। तो कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सेल ऑफ लैंड लिखा जाएगा ₹2,50,000। इसके बाद अकाउंट बनाया मशीनरी का, मशीनरी के साथ ही एक अकाउंट और बना रहे हैं हम, वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसके लिए क्वेश्चन के बैलेंसेस को देखते हैं जरा। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है ₹10,00,000, क्लोजिंग बैलेंस है ₹12,00,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है ₹1,00,000, क्लोजिंग बैलेंस है ₹1,20,000। पहले इन ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। मशीनरी असेट डेबिट से शुरू हुआ, बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस ₹10,00,000, बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस ₹12,00,000। ये ध्यान रखना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर इसके और नाम क्या हो सकते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट होता है, इसकी शुरुआत हमेशा आपको क्रेडिट से करनी है, इसलिए लिखा है क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹1,00,000, डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस सीडी ₹1,20,000। अब इसके रिगार्डिंग जो एडजस्टमेंट है उसको देख लेते हैं। सेवन पॉइंट है, ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग ₹1,00,000, एक मशीन ₹1,00,000 कॉस्ट प्राइस की, जिसको ₹1,00,000 में खरीदा गया था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹20,000, इस पर अब तक डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है ₹20,000 का, ₹1,00,000 कॉस्ट प्राइस की मशीन, ₹20,000 इस पर अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो कॉस्ट प्राइस ₹1,00,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹20,000, ₹1,00,000 माइनस ₹20,000, इसकी बुक वैल्यू है मशीन की ₹80,000, इसको बेचा गया है वह सोल्ड फॉर ₹30,000, तो ₹80,000 बुक वैल्यू की मशीन को ₹30,000 में बेचा गया है। अगर ₹80,000 बुक वैल्यू की मशीन को ₹30,000 में बेचा जाएगा तो लॉस हो जाएगा ₹50,000 का। मशीन अकाउंट देखते हैं, मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड में सेल ऑफ मशीन ₹30,000 क्वेश्चन में गिवन था, अभी समझाया, मशीन को बेच करके लॉस हुआ ₹50,000, ये कैलकुलेशन अभी हमने समझी थी, ₹1,00,000 कॉस्ट प्राइस था मशीन का, ₹20,000 उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, एक्यूमुलेटेड समझ गए जो अब तक लग चुका था, तो ₹1,00,000 माइनस ₹20,000 ₹80,000 बुक वैल्यू थी, ₹80,000 की मशीन को ₹30,000 में बेचा, ₹80,000 माइनस ₹30,000 बाकी ₹50,000 का लॉस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹20,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी गिवन था ₹12,00,000, टोटल किया क्रेडिट साइड का ₹13,00,000, इस ₹13,00,000 टोटल को डेबिट में लिखा, इस ₹13,00,000 में से ₹10,00,000 मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस माइनस किया, तो ₹3,00,000 की मिल गई परचेज ऑफ मशीनरी एज अ बैलेंसिंग फिगर। सो ये ₹3,00,000 परचेज ऑफ मशीनरी है, बैलेंसिंग फिगर हमें मिला है। इस मशीनरी अकाउंट के साथ एक अकाउंट और बनाना है, वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये भी हमने समझा था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस गिवन था ₹1,00,000,
क्लोजिंग बैलेंस गिवन था 1,20,000 रुपये। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में ध्यान रखना है, डेबिट साइड में आपको लिखना होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मीन्स वो डेप्रिसिएशन जो उस असेट पर लगा था जिसको करंट ईयर में बेच दिया गया है। तो जो मशीन करंट ईयर में बेची गई है उस पर ऑलरेडी जो डेप्रिसिएशन लग चुका था वो था 20,000 रुपये। ये ध्यान रखना है, यही वाला अमाउंट ये मशीनरी अकाउंट में लिखा जाता है क्रेडिट साइड में, आप से देख सकते हैं सेम अमाउंट होता है। जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा है, वही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा सेम। तो टोटल किया हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड का, ये हुआ 1,20,000 और 20,000, 1,40,000 रुपये। इस 1,40,000 रुपये में से डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 1,00,000 रुपये माइनस किया, तो 40,000 रुपये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमें मिल गया। डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर मीन्स करंट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 40,000 रुपये डेप्रिसिएशन के तौर पर अलग से रखी गई हैं। अब इन अकाउंट को समझने के बाद अब आपका मेन सॉल्यूशन शुरू होगा, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये हमने हेडिंग लिख दी। अब ये जो फिगर्स मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ ये ऑलरेडी जो अकाउंट बनाते हुए हमने फिगर समझी थी वही सब फिगर्स हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 45,000 रुपीज, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपीज माइनस, ये दोनों ही सेल और परचेज की फिगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट से मिली हमें, दोबारा देख सकते हैं आप। इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 45,000 रुपये, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपये, इसलिए इनको लिखा गया। ऐसे ही पेटेंट अकाउंट से सेल ऑफ पेटेंट्स 40,000 रुपीज, पेटेंट अकाउंट देखिए सेल ऑफ पेटेंट 40,000 रुपीज सेल किया कैश आया, प्लस फर्नीचर अकाउंट से सेल ऑफ फर्नीचर 30,000 रुपीज प्लस परचेज ऑफ फर्नीचर 1,80,000 रुपीज माइनस। फर्नीचर अकाउंट ये देखिए सेल ऑफ फर्नीचर 30,000, परचेज ऑफ फर्नीचर 1,80,000। इसके बाद परचेज ऑफ गुडविल 50,000 रुपीज माइनस, गुडविल का कोई अकाउंट नहीं बनाया था हमने क्योंकि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी। यहाँ ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस को देखते हैं, ये देखिए गुडविल पिछले साल थी 50,000 रुपये, इस साल है गुडविल 1,00,000 रुपये। इसका मतलब हुआ कि गुडविल की वैल्यू 50,000 रुपये इंक्रीज हुई। ये 50,000 रुपये इंटेंजिबल असेट का इंक्रीज होना कब पॉसिबल है, जब हम इंटेंजिबल असेट को खरीदेंगे। तो 50,000 रुपये की गुडविल हमने खरीदी है, गुडविल खरीदी, परचेज ऑफ गुडविल, इससे कैश चला जाएगा इसलिए माइनस। लैंड अकाउंट से सेल ऑफ लैंड की फिगर आई थी 2,50,000 रुपये, ये देखिए लैंड अकाउंट कैश सेल, सेल ऑफ लैंड 2,50,000 रुपये, सेल ऑफ लैंड 2,50,000 रुपये प्लस। फिर है परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड, ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस को देखते हैं। 2015 पिछले साल में शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड, कोई कंपनी है जेड लिमिटेड जिसके शेयर्स खरीदे हुए हैं हमने, वो थे 1,00,000 रुपये। इस साल इन शेयर्स की वैल्यू हो गई है 1,20,000 रुपये, मतलब 20,000 रुपये के शेयर्स और खरीद लिए हमने। तो इन्वेस्टमेंट करी हमने किसी और कंपनी के शेयर्स में, इससे क्या हुआ कैश का आउटफ्लो, इसलिए लिखा इसको परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड 20,000 रुपये कैश आउटफ्लो माइनस। मशीनरी अकाउंट से मिला सेल ऑफ मशीनरी 30,000 रुपीज प्लस, परचेज ऑफ मशीनरी 3,00,000 रुपये माइनस। मशीन अकाउंट दोबारा देखिए सेल ऑफ मशीनरी 30,000 प्लस, परचेज अकाउंट मशीन अकाउंट में डेबिट साइड में था परचेज ऑफ मशीनरी 3,00,000 रुपीज, मशीन खरीदी कैश चला गया माइनस। ये दो अमाउंट सेल ऑफ मशीनरी और परचेज ऑफ मशीनरी। फिर उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट पर कितना इंटरेस्ट मिला? इन्वेस्टमेंट थी 10% वाली, इन्वेस्टमेंट पर 10% का इंटरेस्ट मिलना है। 2016 की जब शुरुआत हुई यानी प्रीवियस ईयर का जब एंड हुआ 2015 का, तब इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख रुपए। तो इस 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 10% इंटरेस्ट मिलता गया। कब तक मिलता गया? 1 जुलाई 2016 तक, मींस 6 महीने। 6 महीने क्यों कंसीडर करने? क्योंकि 1 जुलाई को हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी थी 50,000 रुपये वाली, और नई इन्वेस्टमेंट खरीद ली थी 1 लाख रुपये की। मतलब जब साल शुरू हुआ तब 2 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट थी, वो रही 1 जुलाई तक, इसलिए इस 2 लाख रुपये पर 10% इंटरेस्ट 6 महीने के लिए। ये देखिए 2 लाख रुपये साल की शुरुआत में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, 10% इंटरेस्ट 6 महीने के लिए। 1 जुलाई को इन्वेस्टमेंट खरीदी और बेची। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में देखिए 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदी 1 जुलाई को, और 1 जुलाई को ही इन्वेस्टमेंट बेच दी थी 50,000 रुपये वाली। तो 2 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट थी शुरू से, 1 लाख और खरीदी इन्वेस्टमेंट, टोटल हो गई 3 लाख। फिर 3 लाख में से 50,000 रुपये वाली इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो बाकी इन्वेस्टमेंट बची 2.5 लाख रुपए की। और ये सेल परचेज कब हुई? 1 जुलाई को। इसका मतलब 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2016 तक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रही बाकी बची हुई 2.5 लाख रुपए। इसलिए बाकी 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा 1 जुलाई से दिसंबर 31, 6 महीने के लिए। इसको सॉल्व किया तो ये आया 22,500 रुपए इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलेगा कैश इनफ्लो, इसलिए इसको किया प्लस। इसके बाद लास्ट आइटम है इसमें डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड। थर्ड पॉइंट लिखा था जेड लिमिटेड पेड अ डिविडेंड ऑफ 10% ऑन शेयर्स। एक कंपनी है जेड लिमिटेड जिसके हमने शेयर्स खरीदे हुए हैं, उस कंपनी ने 10% का डिविडेंड दिया। थर्ड पॉइंट में लिखा है जेड लिमिटेड पेड अ डिविडेंड ऑफ 10% ऑन शेयर्स। तो ध्यान रखना है जो हमारी प्रीवियस ईयर की इन्वेस्टमेंट थी उस पर हमें डिविडेंड मिलेगा। 1 लाख रुपए के शेयर्स थे पिछले साल, उस पर डिविडेंड मिलेगा 10%। 1 लाख रुपए का 10% हुआ 10,000 रुपए, इसलिए लिखा डिविडेंड रिसीव्ड 1 लाख रुपए का 10% 10,000 रुपए। फिर इन सबको प्लस किया, प्लस वाली फिगर्स को प्लस किया, उनमें से जो ब्रैकेट माइनस वाली फिगर्स हैं वो माइनस करी। माइनस का टोटल बड़ा है, 2,22,500 रुपये माइनस में आ रहा है आंसर, इसलिए इसको लिखना है नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें भी कैश यूज हो रहा है क्योंकि आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इन 2 क्वेश्चन से ही मेरा पूरा विश्वास है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन किसी भी तरह का आ जाए आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप इन दोनों क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देख लीजिएगा, और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।